अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम सर्विसेज के सेक्शन इजीली विदाउट कोडिंग कैसे बना सकते हैं। लगा पास जैसे PSG आती है, हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो वो सर्विस के सेक्शन एक प्लगइन के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं, इजीली उसका शॉर्ट कोड कहीं भी पेस्ट करके हम वो प्लगइन हम कैसे इंस्टॉल करके और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हर जगह एक ही सेक्शन को विदाउट एनी कोडिंग। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको तीन प्लगइन के बारे में बताएंगे सर्विसेज के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और ये कि अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमारे बेल आइकन पे नीचे प्रेस करें चैनल को, और हमारा अगर आप हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्लग इन इंस्टॉल किए हुए हैं तीनों चीज़ों के, मैं यूज़ करने वेबसाइट के अंदर। ये सर्विस बॉक्स शोकेस है जो भी, ये भी एक्टिवेट करना है। चेरी सर्विसेज है, ये भी एक्टिवेट करना है, और एक और है सर्विस बॉक्स, ये भी एक्टिवेट करना है। तो ये ऑलरेडी हमारे इंस्टॉल्ड है। इन तीनों का लिंक आपको मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम सिंपली आते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ, सर्विसेज पे आ गए, सर्विसेज एक दो, और ये हम तीनों प्लगइन एक्टिवेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तीनों प्लगइन एक्टिवेट हो गए, हम डैशबोर्ड पे आ गए। हमें चाहिए कि होम पेज पे हम यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन शो कराएं। हमारा पेज हमने एक बनाया होम के नाम से, पेजेस में गए, हमने होम लिखा, होम्स लिखा और पब्लिश कर दिया, ऐसे ही एक नाम डमी दे दिया। तो पहले से डाटा आई थिंक पड़ा हुआ है इसमें, नहीं है बस, तो ये हम होम्स ही दे देते हैं, सेव कर दिया। अब दोस्तों हम लोग अपने इसको चाहे पेज को, हम इस पेज को सेट कर लेते हैं रीडिंग में आके, इसको होम पेज बना लेते हैं। इस होम को ये हमने होम सेलेक्ट कर लिया। अब ये रीडिंग और ये सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं दोस्तों, अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल्स आपको देखने हो तो ये हमारे वर्डप्रेस की जो बेसिक सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं, या वर्डप्रेस की बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें एटलीस्ट 10 वीडियोस हैं, उसमें भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें ये पहले प्लगइन फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं। ये ऑल सर्विस में कुछ नहीं आएगा जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये न्यू सर ये मोबाइल व्यू दे तक फ्री में कुछ चीज़ ऑप्शन है, वैसे ये होम सर्विसेस हमने एक नाम दे दिया, और ये हमें ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। ये दो डिज़ाइन है हमारे पास जो कि फ्री में दे रहा है डेमो के अंदर, ये मल्टीपल चीज़ें दे रहा है हमें डेमो पेड के अंदर, हमें वहाँ पेड नहीं है, हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला वर्जन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमने कॉन्टेंट हमारा डमी डाला हुआ है, इसी तरह हम एक और ऐड करना चाहें तो यही हम कॉन्टेंट यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और फोर बॉक्सेज हम अलाउ करेंगे इसके अंदर अपने, ठीक है दोस्तों। और ये हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, आइकन हमने कोई भी यहाँ ले लिया, जैसे कि हमने ये ले लिया आइकन, हमने यहाँ हैश लिंक लगा दिया। इसी तरह हम यहाँ पे आए, हमने एक और बॉक्स ऐड करा और इसको यहाँ पे इस तरह कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कर दिया सैम्पल टाइटल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है दोस्तों। ये आइकन आई डोंट नो ये इस वर्जन में क्या इशू आ रहा है, ये पहले तो इनके बाद ऐसे इशू नहीं आता था। और यहाँ हमने सिंपल लिखते हैं वर्डप्रेस, तो ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या इशू है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको सेव करते हैं आइकन के, आई थिंक प्लगइन कोई इशू है नहीं अपडेट में। ये हमने आइकन शो कराया, हमने इसलिए आइकन यस कर दिया, रीड मोर बटन हमने यस कर दिया, सर्विस कलर हमारे ये हैं सारी चीज़ें, कलर्स का ऑप्शन है, फॉन्ट साइज का, डिस्क्रिप्शन साइज का, रीड मोर साइज का ये ऑप्शन दे रहा है, फॉन्ट फैमिली का दे रहा है ऑप्शन, टू कॉलम लेआउट नहीं हमें, फोर कॉलम लेआउट चाहिए, रीड मोर का टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। हम ये हम पब्लिश कर देंगे तो हमें एक शॉर्ट कोड जनरेट कर देगा जो कि नीचे ये आ रहा है सिंपली, देखिए अभी ये क्रिएट हो गया होगा, यहाँ शॉर्ट कोड आ रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ हमने होम का पेज बनाया था इसके
डिस्क्रिप्शन एडिटर इसका ब्लॉक लेवल एडिटर, दोस्तों पैराग्राफ यहाँ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। इस एडिटर में दोस्तों यकीनन मुश्किल होती है, तो हम क्लासिक एडिटर का प्लगइन यूज़ करते हुए अपनी डेवलपमेंट आसान कर सकते हैं। पुराने व्यू देखिए, ये हमने शॉर्ट कोड यहाँ पेस्ट किया तो ये वापस आ गया ऑलरेडी। और अगर हम ये भी चाहें विजुअल कंपोजर के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको, तो हम विजुअल कंपोजर प्लगइन एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास। और क्लासिक एडिटर को भी हम एक्टिव कर लेते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट आसानी हो हमें। ये देखिए दोस्तों, तो हमने इसको सेव कर लिया और इसको हम एक बिल्डर में कॉपी पेस्ट करेंगे शॉर्ट कोड को, जो कि प्रॉपर सही हो और फुल विड में आए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यू कर दिया और इसको सेव कर देंगे। और ये इसको फुल विड में आना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ये क्यों नहीं आया। पे कोई विड लगी हुई दोस्तों स्पेसिफिक, वो हमें देखनी पड़ेगी क्या हमें, हमारा भी ये टॉपिक नहीं है। दोस्तों अब ये है कि हम दूसरा यूज़ करते हैं अपना, जो हमने दूसरा प्लगइन ऐड किया था, इसी तरह हम ऐड सर्विस करेंगे यहाँ पे। और लिख दिया हमने होम सर्विस टू, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने भी डमी दे दी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे, ठीक है। शो हो गया होम पेज पे, आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।